नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे कैरी मेथी की सब्जी। आप भी मेरे तरीके से कैरी मेथी की सब्जी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कैरी मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी किलो कैरी को धोकर सुखा कर काट लिया है। 100 ग्राम मेथी ली है, मेथी को भी हमने भिगो दिया था, इसके पानी निकाल लिया है। 100 ग्राम अंगूर, 10-12 मूंगफली के दाने को हमने फ्राई करके दरदरा कूट लिया है। 2 लाल सूखी मिर्च, 2 तेज पत्ता। हमने यहाँ पे 100 ग्राम प्याज लिए हैं, प्याज को हमने लंबे साइज में काट लिया है, आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी, कस्तूरी मेथी। हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल से कैरी की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। लाल सूखी मिर्च, सूखी मिर्च को हमने तोड़ लिया था। तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच हींग। हमारे मसाला चटकने लगे हैं और हल्के से खुशबू भी आने लगी है। अब हमें इसमें प्याज डाल देनी है। प्याज को हमें फ्राई कर लेनी है। हमने प्याज को 2 मिनट तक फुल गैस पर भून लिया है। हमें प्याज को इतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना। अब इसमें कटे हुए कैरी डाल देंगे। कैरी के साथ में हम मेथी भी डाल देंगे। अब हमें कैरी को फुल गैस पर 1 मिनट तक भून लेनी है। हमने कैरी को 1.5 मिनट तक फुल गैस पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कैरी का पीछे की छिलका बिल्कुल अलग कलर हो गई है। अब हम इसमें बाकी के मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। सब्जी को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को धीमी कर रखेंगे। हमने कैरी को मसाला के साथ में धीमी आंच पर 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें 1/4 पानी डाल देंगे। पानी के साथ ही हम अंगूर को भी डाल देंगे ताकि हमारे अंगूर भी कैरी के साथ पक जाएं। पानी के साथ में कैरी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। पानी जब कैरी के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब हमें सब्जी को 5 मिनट के लिए ढक देना है ताकि हमारी कैरी और बाकी के मसाला अच्छी तरह पक जाए। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमारी कैरी भी पक चुके हैं और मेथी दाना भी फूल चुके हैं अच्छी तरह। सब्जी को हमें और टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। इससे हमारी सब्जी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चीनी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो खट्टी मीठी बन जाएगी। हमें सब्जी नमकीन ही बनाना है। साथ में हम दरदरा कुटी हुई मूंगफली को भी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी को हमने मसल लिया था। सब्जी को मसाले के साथ में अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारी कैरी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमारे मेथी कैरी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं।